एक ब्रह्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी आज अपने को बोला है, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मैं तंत्र जानता हूँ, न मैं विधि को जानता हूँ, न मैं कोई मुद्राओं को जानता हूँ। ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं तो 24 मुद्रा गायत्री मंत्र से पहले करते हैं, 8 मुद्रा गायत्री मंत्र जपने के बाद। लेकिन मेरे जीवन में इन मुद्राओं का अभाव हो गया। मैं न ज्ञान जानता, न योग जानता, न ध्यान जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे मां कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये मां बेटा नालायक हो जाता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। यद्यपि मैं शाक्त का खंडन करता रहा कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं, लेकिन हे मां तुमने हमें दंड दे करके यह दिखा दिया कि बिना तेरे शिव जी भी अधूरा है। शिव जी, शिव 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 में जब शक्ति नहीं है तो वो सब बन जाता है, सब। शिव में जो इकार है वो शक्ति का वाचक है, और जब वो शक्ति जुड़ी तब वो सब शिव बना। शिव की परिपूर्णता कहां है तब तक जब उसके साथ शक्ति नहीं। कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। मेरी माँ तूने मुझे आज राह बता दी, रास्ता बता दिया, और ये भटका हुआ जीव आज तुझे पहचानने में समर्थ हो गया, समर्थ हो गया। बस यही सामर्थ्य तो चाहिए जो हम भगवान को समझ जाए। कथा का मतलब क्या है कि कृष्ण जन्म हो तुम घूम नाचर हो गया कृष्ण जन्म, ये मतलब है। तुम्हारे जीवन में रोज कृष्ण जन्मोत्सव मनता रहे, पग पग में कृष्ण का प्राकट्य तुम्हारे जीवन में होता रहे, वही कृष्ण जन्मोत्सव है। क्योंकि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो नारद जी ने हमारी माँ को बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनाई। बच्चे का सुंदर निर्माण ये माताएं स्वयं कर सकती हैं। बच्चा गर्भ में हो, भावपूर्ण स्थिति हो, भगवान का यजन हो, जो बेटा होगा वो इतना संस्कारी होगा, बिगड़े हुए माता पिता को रास्ते में ले आएगा, ऐसा बेटा होगा। इसलिए हम बार बार बोला करते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। गर्भ में बच्चा हो तो आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देना। कई घरों में मांस मदिरा ये सब चलता है, इन चीजों का सेवन न हो, बाहर की व्यर्थ की चर्चा न हो, शास्त्राभ्यास हो, घर में पाठ पूजा हो, चित्र और चरित्र में ध्यान देने की बात है। उसमें तो प्रहलाद ने पूरी बात बताई और हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब तो ये सुधरने वाला नहीं। दिग्गजे दंत सुकेश, बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों के बीच में प्रहलाद जी को फेंका, बोले इसको मार दो, पटक दो इसे। हाथी के पैर के नीचे कुचल आया, पहाड़ों से गिरवाया, तेल की कढ़ाई खोलते हुए तेल में गिराया, कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन पुनः विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, बड़े मेधावी छात्र हैं, इसलिए गुरुजी एक दिन कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ा दो, आज हम कहीं जा रहे हैं, आज तुम नहीं पढ़ाना। राजी ने कहा ठीक है,
विद्यार्थी तो किसी को चिमटा दे दिया, किसी को मंजीरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और तब कहा, आज हमारे साथ कुछ गाओ। उन्होंने कहा, अभी गुरुदेव आएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, गुरुदेव की तो जो भी बात हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी को पता लगेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तब कहा, तुम मेरे मित्र हो? अरे हाँ। तो सुनो भैया, बिना भजन के चाहे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, नाग हो, कोई नहीं तरह। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। चाहे कितने भी देवी देवता क्यों न हो, यक्षर नाग किन्नर कौन भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। अपना ही कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भगवान मुकुंद का भजन तो करना ही चाहिए। मुक्तिं ददाति इति मुकुंदः, जिन भगवान में मुक्ति देने का सामर्थ्य भरा है, उनके चरणों का जब तक आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, तो जीवन सफेदा है। मित्र समझ गए, भैया प्रहलाद एक बात बता दी, ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है। ये बताओ, जब तुम्हें तेल के कढ़ाई में डाला गया, पर्वतों से नीचे गिराया गया, तुम्हें दर्द हुआ? बोले, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं ना, ऐसी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आती रहती। जो तुमको कांटा बोहे ताई बोहे तुम फूल, तुमको तो फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारी भक्ति के मार्ग में कंटक बन करके आ रहा है, उसको तो कांटे चुभे गए। तो मेरे लिए वो कांटा त्रिशूल नहीं, फूल हो जाएगा, और उसके लिए वो त्रिशूल सूल की तरह हो जाएगा, चुभने वाला हो जाएगा। तलिया है, मंजीरा, चिमटा सब लगे, और प्रहलाद जी के साथ जरा आप भी प्रहलाद जी के साथ सम्मिलित हो जाए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण मस्ती में गाओ जा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान का भजन गाया और समर्पण न हुआ तो क्या फायदा। नहीं, इतने में जैसे गा रहे थे वो आगे कौन संडामर के जो दो आचार्य थे, और जब वो दो आचार्य आए तो उन्होंने जैसे प्रहलाद जी को हाथ लगाया तो वो भी नाचने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर आज सच में हिरण्यकश्यप आकर के प्रहलाद जी को हाथ लगाता तो गुरु बिना नाच ही नहीं रह पाता। समझो, भक्ति में इतनी शक्ति है सबको रजा देती है, आज वो भी बिना नाचे नहीं रह पाता। और जैसे ही संगमर के आए उन्होंने नाचने लगे, इतने में आए हिरण्यकश्यप, उसने दूर से शब्द किया, अगर हाथ लगाता तो बिना नाचे नहीं रहता, शब्द किया सब रुक गया। अच्छा, ये हालात है इस विद्यालय की, यहाँ के आचार्य हैं वही नाच रहे हैं इसकी उंगली पे। हिरण्यकश्यप ने एक बंद कक्ष में उसको रख दिया, सुंदर जहां कहीं से जाने के लिए नहीं है उस ऐसे कक्ष में प्रहलाद को बंद कर दिया। जब बंद किया तो महीने बाद विचार आया कि देखते हैं कि मर तो गया होगा, एक जगह छेद बनाया, अंधेरा कक्ष था, भगवान की कृपा से वहां बिजली चमचमा रही है और हिरण्यकश्यप जैसे तैसे पात्र में व्यंजन पा रहा होगा। प्रहलाद के लिए सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच सब बने हैं, दिव्य पलंग लगा है और दिव्य प्रसाद पा रहे हैं। वाह रे वाह, ये देखो ठाट किसके ठाट हैं भजन करने वाले। इसलिए हम बार बार बोला करते हैं, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजा नया तकिया नया दाना नया पानी, खुदी को कर बुलंद इतना हर तदबीर के आगे, खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। भजन का प्रताप ऐसा ऐसा बल आया, ऐसी शक्ति आई, ऐसा सामर्थ्य आया है जो भगवान को भक्त की रक्षा के लिए उस बंद कक्ष में जहां कहीं से रास्ता नहीं जाने का, और बोलो वहां कैसे भगवान गुजर, कहां इतने पात्र प्रकट हो गए, विचार करो। सारे व्यंजन भी रखे, विचार भक्ति से सब कुछ हो जाता है। संरक्षिता रक्षति यो ही गर्भ है, प्रहलाद जी से कहा ये सब क्या है, बोले जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की वो क्या बाहर आकर के अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा, ये मेरा थोड़ा सामर्थ्य है, ये तो मेरे भगवान के ऐश्वर्य का चमत्कार है। इसलिए भैया जीना है तो सादगी में जियो, सरल बन करके जियो, उसमें भगवान का दर्शन है। मन मंथन करके भगवान मिलेगा ऐसा मत सोचना, मन मंथन करके अंदर से बनो। अरे घरानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। घरानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, जिस घर में आप रहते हैं, जहाँ आपका पशुधन रहता है, गौ माता रहती है, वो सब यही धरा का धरा रह जाएगा। नारी गृह द्वारि जनाश्मशान। अंतिम समय होगा तो पत्नी को भी घर की देहरी से बाहर आने की आज्ञा नहीं है साहब। दरवाजे से बाहर पत्नी भी नहीं आती, ये अनुमति नहीं है शास्त्र की। जनाश्मशान, जिन्होंने कंधे में रखा है वो भी शमशान भूमि तक साथ देंगे, उससे आगे वो भी नहीं आ सकते। देहस्थितायाम, शरीर भी चिता तक साथ देगा। तो जल करके राख बन गया तब क्या होगा? परलोक मार्ग। तो परलोक में क्या साथ जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तेरे जीवन में तेरे रहते हुए कितना धर्म हुआ है, तूने कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, तू किस स्थिति में जिया है? क्या तुझे अपने ऐश्वर्य का, पद का, प्रतिष्ठा का कहीं घमंड तो नहीं था? क्या तू मैं करके तो नहीं चलता था? तूने अपने संपत्ति को धर्म में, उस धन को नियोजित किया है, लगाया है? जब ये पूछा जाएगा बोले ये कुछ नहीं किया, बोले ले जाओ यमराज के पास। वहां छुपा नहीं सकते क्योंकि वहां चित्रगुप्त, उसके पास पूरा रजिस्टर है आपका। एक एक दिन की हाजिरी आज भी लग गई। बोले सोगी में सब कथा में बैठे हैं। बोले आज का क्या करना? बोले फलानी बहन सुबह सुबह गाली दे रही थी, बोले काट दे। अच्छा कर रही, 3 घंटे के लिए कथा में बैठी। बोले अच्छा, बोले आज का पुण्य है ना, तो पुराना सब आज का सुन रहे हो? ये बल है कथा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तुम धर्म कितना करते हो, तुम्हारा जीवन धर्मयुक्त कितना है? ये पहाड़ों में हो सकता है ठंडी के समय में रोज नहाना ना बनता हो, लेकिन भगवान के लिए तो रोज नहाने की क्या जरूरत है? मन से स्मरण करो, उसमें क्या है? ये तो देव भूमि है नहीं? यहां तो देवता विचरण करता है सा। जो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ये कोई साधारण पर्वत नहीं, यहां तो देवी देवताओं के शरीर है। ऋषि मुनियों ने शरीर को छोड़ा ढांचे के रूप पर पकड़। ये देश भवानी का यहां श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यहां श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का आई है, ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत ऋषि मुनियों के तन तक गए, ऊंचे ऊंचे पर्वत ऋषि मुनियों के तन तक गए, ऊंचे ऊंचे पर्वत ऋषि मुनियों के तन तक गए, ऊंचे ऊंचे पर्वत ऋषिमुनियों के तन दिखते, ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा।
ये देश भवानी का यह श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यह श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यह श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का यह श्रद्धा आई है। साहब इस पहाड़ कोई ऐसे नहीं है, ऋषि मुनियों ने सब तपस्या करके शरीर को छोड़ा और वो ढांचे के रूप में यहाँ स्थित हुआ, उसी में ये रूम को घास वृक्ष सब प्रकट हो गए। साधारण धरती मैंने एक बात बता दें, कान खोल करके सुनना, जहां देवता होते हैं वहां प्रवृत्ति राक्षसी होती है, बहुत ध्यान से सुनना। जहां देवता होते हैं ना, तो देवताओं की इर्द गिर्द कौन घूमते हैं बोलो? राक्षस घूमते। और राक्षस किस रूप में होते थे? राक्षस का कोई शरीर होता, क्या क्या रूप होता था राक्षस का? कोई अलग वैरायटी थी क्या? मनुष्य के रूप में हो सकता, संदेह। कौन है राक्षस, कौन है असुर? असुर रमनते इसी असुरा, जिसके हृदय में पाप रमण कर रहा है वो असुर है। राक्षस प्रजाति कोई अलग थोड़ी, मनुष्य में कोई देवता बन जाता है, कोई भगवान बन जाता है, भगवान बन सकता है, कोई संत बन जाता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई श्रेष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण बन जाता है, कोई धर्म परायण भक्त बन जाता है, कोई सही मायने में अच्छा मनुष्य बन जाता है, तो कोई इसी बीच से असुर भी बन जाता है। असुर कौन बनता है? महिष खाई और मदिरा पीना, गर्जा बज्रा घात समाना, मदिरा पीना। अब ये मत बोलना हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानते हैं साहब, जो मांस गाता मदिरा पीता है वही असुर के समान हो सकता है। ये गोस्वामी जी बोले, उन्हें बोले मई से खाई और मदिरा पीना, गर्जा बज्रा धातु समाना। बोलो, इसलिए जिसके जीवन में मांस मदिरा का सेवन होता है, मुझे लगता है निश्चित आज से वो व्यक्ति देवता बनने की स्थिति में आ जाएगा और इन सब व्यसनों से मुक्त हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला, ये सुधरने के लिए मिला। मनुष्य बनकर के भी अगर हम नहीं सुधरे तो धिक्कार है हमारा।